बीजेपी नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में सानपाड़ा के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित गणेशोत्सव श्री गणेश की भक्ति और राष्ट्रप्रेम दोनों का जज्बा जगा रहा है। तिरंगे की सजावट और शहीद जवानों को समर्पित सोनखार के इस उत्सव में सही मायनों में इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति विराजित हैं, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि भक्तों में आस्था और देश प्रेम का जज्बा बढ़े, यही इस बार के गणेशोत्सव का मकसद है। देखिए रिपोर्ट। नवीमबई सानपाड़ा के बुद्धेश्वर मंदिर में आयोजित गणेशोत्सव आस्था के साथ ही राष्ट्रप्रेम का जज्बा जगाने के लिए मशहूर रहा। आजादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में तिरंगे में की गई सजावट और शहीद जवानों को विशेष तौर पर समर्पित सोनखार का यह गणेश उत्सव यादगार बन गया। यहां सांडू मिट्टी में ढले गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा ने सही मायने में मंगल मूर्ति श्री गणेश का एहसास कराया। बीजेपी नेता दशरथ भगत का मार्गदर्शन और युवा नेता निशांत भगत एवं संदीप भगत के प्रयासों से इस बार बुद्धेश्वर महादेव मंदिर का गणेशोत्सव आस्था के साथ ही आनंद का बड़ा उत्सव नजर आया। यहां भक्तों और श्रद्धालुओं का श्री गणेश के सानिध्य में नाचते गाते हुए उत्सव मनाना इसका बड़ा सबूत है। राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूकता, इको फ्रेंडली मूर्ति के जरिए पर्यावरण सुरक्षा का संदेश और महिलाओं के जरिए मंगल मूर्ति के विसर्जन ने इस गणेशोत्सव को नवीमबई के लिए नई मिसाल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।